हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, घरों में से निकलने वाली ये पुरानी पैंटें इधर उधर पड़ी रहती हैं और सब तमाम जगह घेरे रहती हैं। तो देखिए, आज मुझे अपने कबाड़ में से इतना सारा, ये कबाड़ क्या बोले, पुराने कपड़े जो मैं गमले वमले बनाने के लिए अलग गठरी बांध के रखती थी, तो उसमें से हमें ये पैंटे मिली। कुछ पैंटे जो ज्यादा अच्छी कंडीशन में थी उनको मैंने दूसरे को दे दिया और इनके कलर उड़ गए थे, तो मैंने इनको रख लिया कि मैं इनको अपने गार्डन में यूज करूंगी। तो ये देखिए, तीन पैंटों को लेकर के मैं बैठी हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए। ये देखिए, ये नए जमाने की ये कोई पैंट है, इसका कोई हमें नाम वाम नहीं पता है। तो इसके मैं बनाऊंगी ग्रो बैग। ठंडक के सीजन में बहुत ही वैरायटी वैरायटी के पौधे आते रहते हैं, छोटी जड़ों वाले, तो बड़े बहुत गमलों की जरूरत होती है। ठंडा के सीजन में गमले चाहे जितने ज्यादा हो सब कम पड़ जाते हैं। तो पहले से ही मैं, अभी हमारे पास पर्याप्त समय भी है और ये मुझे ये कपड़ा थोड़ा मोटा और मजबूत मिल गया, तो मैंने सोचा कि चलिए कुछ ग्रो बैग मैं बना लूं जो हमें ठंडक के फूलों में काम देंगे। तो उनको बनाने के लिए मैंने जो है, देखिए नाप ले लिया है। अभी मैं ऊंचाई जो है छोटी जड़ों वाले बनाऊंगी तो बहुत अच्छे इसमें चलेंगे, और उसके बाद में जब सीजन खत्म हो जाएगा तो मिट्टी खाली करके इनको फिर भी रखा जा सकता है। दो कपड़े के गमले ऐसे ही भर करके, झोले थे जो हमारे, जो टिफिन उफिन ले जाने वाले थैले रहते हैं, तो दो थैलों में मैंने पौधे लगाए थे, तो वो सक्सेस थे। तो तभी हमारे दिमाग में चल रहा है कि जब ये पैंटे हमने देखी, तो जब झोले में मैंने सोचा कि मिर्ची का पौधा तैयार होकर के फ्रूटिंग फ्लावरिंग कर सकता है, तो ये तो मोटे कपड़े हैं, इनमें भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये देखिए, मैं इनको कट कर रही हूँ और मैं कम से कम 5 6 6 ग्रो बैग बना लूंगी। तो जब 6 ग्रो बैग बन जाएंगे तो हमारे पास गमलों की कमी जो रहेगी तो वो खलेगी नहीं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए इसमें काफी मिट्टी आ जाएगी। तो इसके जो ऊपरी कार्नर है इसको एक लेयर मोड़ करके इस पर सिलाई चला देंगे और बढ़िया नीचे से जो है इसको बांध देंगे और बहुत अच्छे से देख सकते। ये देखिए, इसको मैंने उल्टा कर लिया है और उल्टा करने के बाद ये जो दोनों ज्वाइंट हैं, कपड़ा इस लोच है, तो ये देखिए मैं धागा और सुई लेकर के भी बैठी हूँ। ये मोटा धागा है, बहुत ही मजबूत रहता है, तो इसको मैं अच्छे से बांध लूंगी। तो इसके लिए मुझे पहले थोड़ा बहुत सिलना पड़ेगा, और अभी सब कुछ करके आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत अच्छे ग्रो बैग बन जाएंगे और जाड़े वाले जितने भी हमारे छोटी जड़ों वाले पौधे हैं सब बहुत आसानी से इसमें लग जाएंगे और हमें गमलों की कमी नहीं महसूस होगी। तो देखिए, इसको खींच लिया और इसको खूब मजबूती से कई लेयर मैं बांध दूंगी, बहुत मजबूती से इसको खींच खींच करके बांधना। ये तागा जो है बहुत मजबूत रहता है, रजाई वजाई सिलने वाला है। तो ये देखिए, इसको मैंने कई बार लपेट दिया, अब इसको बहुत अच्छे से इसमें गांठ लगा देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देखो ये तो भाई पुराने कपड़े भी नहीं छोड़ रही हैं, तो क्यों छोड़े भाई, नया नया खरीदा, रुपया देकर खरीदा, अब इसको जो है हम सब उपयोग में ले लेंगे जिससे हमारे आगे के कोई कार्य में रुकावट ना हो। ये देखिए, मजबूती से मैंने दोनों सिरों को बांध दिया है। अब ये देखिए, इसको मैंने ऐसे पलट दिया, जब तक इसमें मिट्टी नहीं भरी जाएगी तब तक इसका सही आकार नहीं समझ में आएगा। तो ये देखिए, दो तो हमारे ये बढ़िया से तैयार हो गए। अभी इसमें ऊपरी पोर्शन में सिलाई जो है मशीन से लगाएंगे। मुझे सिलाई बहुत अच्छी आती है, सिलाई भी कर लेती हूँ, सभी कार्य हमको आसानी से समझ में आ जाते। तो ऐसे करके इसमें लगा लेंगे और ये सब बहुत अच्छे से बन जाएंगे और काफी मजबूत रहेंगे और मिट्टी भी इसमें खूब आएगी। तो अब देखते हैं आगे और बन पाते हैं इसमें कि नहीं, एक पॉइंट में कितने बन पाएंगे, तो उसी हिसाब से हम इसको और काट लेंगे। इसमें अभी दो और निकल आएंगे। कटिंग्स वगैरह लगाने के लिए भी ये बहुत अच्छे से
जिस चीज में जितनी जान हो उससे उतना काम ले लेना चाहिए। एक सेना के कर्नल थे, पता नहीं जनरल करियप्पा नाम था क्या नाम था, उनका कहना था कि जिस चीज में जितनी जान है उससे उतना काम लो। तो देखिए इस पैंट को यूज भी किया गया, पहना भी गया, अब ये इतनी बदरंग हो गई थी कि वैसे तो मैं कपड़े दे देती हूँ दूसरों को जो अच्छी कंडीशन में होते हैं, तो इसकी कंडीशन मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लगी, तो इसलिए मैंने इसको किसी को नहीं दिया। कि आज के जमाने में कपड़ा बहुत सस्ता हो गया है, सभी कपड़े पहनते। तो देखिए एक पैंट में मैंने चार जो है ब्रो बैग निकाले, अभी इन सबको तैयार करके दिखाते हैं आप लोगों को। अभी दो पैंट तो ये हमारे पास बची ही रखी है, यही चार बनाएंगे और फिर इसमें जो है आप लोगों को मिट्टी भी भर के दिखाएंगे कि इसमें कितनी कितनी मिट्टी आ जाएगी। तो देखिए एक ग्रो बैग में हम मिट्टी भी भर के दिखाएंगे कि इसमें आसानी से कितनी मिट्टी आ सकती है। तो गमलों को डेकोर करने के लिए थोड़ा सा कपड़ा और ले लिया है ऊपरी पोर्शन में, तो ये देखिए ये भी मजबूत बहुत है, तो इसको निकाले ले रहे हैं, इसको भी कुछ ऊपरी पोर्शन में लगा देंगे जिसे देखने में हमारे ग्रो बैग अच्छे लगे। मुझे ग्रो बैग मंगाने तो हैं लेकिन कुछ अपने हाथ भी बनाएंगे और कुछ ऑनलाइन मंगा लेंगे, अभी हमारे पास समय है तो इसलिए हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं। मैं एक टीचर हूँ, स्कूल खुलने वाले हैं, टीचर के साथ साथ मुझे टेलरिंग भी बहुत अच्छी आती है तो गार्डनिंग भी मैं बहुत अच्छी कर लेती हूँ तो चलिए अब इन सबको इनके कॉर्नर सील करके उसके बाद में मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों ये मैंने कुछ मशीन और कुछ हाथ की मदद से मैंने ये गमले बना लिए हैं, ग्रो बैग, गमले नहीं गलत बोल गए, ग्रो बैग बना लिए। एक जींस में मैंने ये छोटे छोटे चार ग्रो बैग बनाए हैं, अब आप लोग देख सकते हैं इसमें हम छोटी वैरायटी वाला स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, छोटी जड़ों वाला चेन प्लांट लगा सकते हैं, रियो प्लांट लगा सकते हैं, टर्टल वाइन लगा सकते हैं, अभी इनके भी बनाने हैं। ये देखने में तो लगता है कि फटाफट ये तैयार हो गए होंगे लेकिन बहुत देर लगी, कम से कम 2 घंटे फालते झूलते लग गए तब जाकर के ये चार तैयार हुए हैं। धीरे धीरे करके मैं इन पैंटों के भी बना लूंगी तो आगे वीडियो में देखने को मिलेंगे। अब हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि ये जो हमने बनाए हैं छोटे छोटे से, इनमें ये देखिए ऐसे डिजाइन नुमा बना दिए हैं। तो अभी मैं इसमें मिट्टी भर के दिखाती हूँ, मिट्टी भरते हैं, मिट्टी भरने के बाद में इसका आकार सही से समझ में आएगा कि कैसे है। तो सभी में मिट्टी नहीं भरूंगी, एक ही में मिट्टी भरूंगी क्योंकि मिट्टी का काम पीछे के गार्डन में करते हैं, लेकिन अभी धूप बहुत तेज है तो इसको जो है यहीं पर ले आए हैं और आसानी से इसको इसी में भर देंगे। मिट्टी बहुत सूखी है तो बिल्कुल डस्ट चेहरे पर आ रही है, फिर भी दिखाना है कि एक इस गमले के बराबर मिट्टी इसमें आ गई। ये देखिए गमले से भी ज्यादा मिट्टी आई है, तो अभी इसमें और मिट्टी भरी जाएगी और देखिए कैसा सुंदर बढ़िया ग्रो बैग बन गया। एक सीजन तो चलेगा ही, बारिश में इसको जो कुछ भी लगेगा, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा ग्रो बैग जो है कैसा बढ़िया बन करके तैयार हो गया है और काफी बड़े बने हैं, छोटे भी नहीं है, कम से कम 5-5, 7-7 किलो मिट्टी एक ग्रो बैग में आएगी। और ये देख सकते हैं दूसरा ये है, तीसरा हमारा ये ग्रो बैग है, ये है, इनमें छोटे छोटे से ये कान नुमा लगा दिए हैं। जब इनमें मिट्टी भर लेंगे, मिट्टी भरने के बाद हम इनमें इमोजी बना देंगे, इमोजी बनाने के बाद में देखने में अच्छे लगेंगे। और इसमें मिर्ची का पौधा भी लगा सकते हैं, बैगन भी लगा सकते हैं और कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि इसमें पर्याप्त तो स्पेस है। तो इस तरह से पुराने कपड़े हैं जो किसी को, तो उनका उपयोग हम ले आएंगे अपने थोड़े से समय को, इसमें समय निकाल करके
इसको बहुत अच्छे तरीके से बना करके अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसमें अभी मिट्टी भरी जाए तो अभी कम से कम 2-3 किलो मिट्टी और आए, और मैं ला करके भरूंगी, अभी मिट्टी लेकर के मैं आ रही हूँ। ये देखिए इतनी सारी मिट्टी हम और लेकर के आए हैं क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि आखिर कितनी मिट्टी आएगी। देख सकते हैं आप लोग, हर एक ग्रो बैग में भरने के लिए पर्याप्त मिट्टी होनी चाहिए। इतनी मिट्टी अभी हमारे पास नहीं है, मिट्टी है नॉर्मल मिट्टी और गोबर की खाद मिली हुई है अभी। इसमें इतनी ही हमें धान की भूसी मिलानी है, धान की भूसी अभी हम मंगा नहीं पाए हैं, इसलिए जो है हम सभी में मिट्टी नहीं भरेंगे। मिट्टी भरेंगे जब मिट्टी को अच्छी तरह से बना लेंगे, जब बिल्कुल पौधे के लगाने जैसी मिट्टी, जैसे कि हम पौधे को लगाने के लिए मिट्टी बनाते हैं जिसमें सारे पोषक तत्व डालते हैं, वो सब डाल करके बनाएंगे तो फिर इनमें भरेंगे। अभी इनको हम उठा करके किनारे रखे दे रहे हैं और अभी जितने हैं इनको सबको बनाएंगे, आज कल परसों जब भी समय मिलेगा तब इनको बनाएंगे और फिर मिट्टी को अच्छे से बनाएंगे। और आप लोग देख सकते हैं कितने बढ़िया ये ग्रो बैग हैं, बनाना चाहे तो इसमें इमोजी भी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे नहीं, बात बता रहे हैं। इसमें कोई कार्टून भी बना सकते हैं और देखिए कितने सुंदर एक पैंट थी जिसका मैंने कितना सुंदर उपयोग कर लिया, अच्छा किया। आप लोग भी ऐसा करिए, अपने घर के कपड़ों को जो बेस्ट मटेरियल है उसको बेस्ट से बेस्ट बनाइए। अभी देखिए ये बना दिया, पहले मैंने सोचा था कि दूसरे दोनों तरफ उठाने बैठाने के लिए बनाएंगे, लेकिन फिर मुझे लगा अरे ये तो एक अपने आप में ही सेफ बन गया, तो अभी दोनों तरफ लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर बन गए। तो आप लोग भी इस तरह समय का सदुपयोग करिए और अपने घरों में जो भी ये कपड़े निकलते हैं उनसे इस्तेमाल करने के लिए कुछ भी बना डालिए। अब इसमें हम सब्जियां लगाएंगे वो भी सब बारिश शुरू होने वाली जैसे ही शुरू होगी, बस इसी अलग से बना करके बस इसमें पौधे रोप देंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमारा ये वीडियो और हमारा ये जुगाड़ कैसा लगा आप लोगों को, आशा करती हूँ अच्छा लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा तो वीडियो देख करके आप लोग हंसेंगे जरूर कि क्या 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 ढूंढ करके कबाड़ से ला करके मैडम जी ये सब बना रही हैं। तो चलिए ठीक है, मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे ये नन्हे मुन्हे ग्रो बैग अच्छे लगे हों आप लोगों को तो वीडियो को लाइक करना करना चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।